हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेस। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं, जो हमने लास्ट टाइम किया था व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, तो उसी से रिलेटेड आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके कैसे हम टेम्परेचर मेजरमेंट है जो वो कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने ये मेथड है जो वो यूज करना है। ठीक है, भी व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करना है और उसके बाद टेम्परेचर मेजरमेंट है जो वो दिखानी है कैसे। तो हमने पहले क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जो वो बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं उनका हम स्वागत करते हैं, और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहे। ठीक है, तो आपका इसमें फायदा है, आपको लगातार टॉपिक वाइज टॉपिक जो सीक्वेंस में टॉपिक्स हैं जो वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ से आपका क्या करते हैं, हम एक कोई भी प्लेटिनम वायर ले लेते हैं जो लगभग 50 सेंटीमीटर लेंथ की होगी, और उसको वाइंड कर लेते हैं आपका एक नॉन कंडक्टिंग रोड के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है। ठीक है, और उसको कनेक्ट कर देते हैं CD आर्म में, व्हीटस्टोन ब्रिज की CD आर्म में। तो हमने इसको ए माना था, इसको बी माना था, और इसको सी माना था, और इसको डी माना था। CD आर्म में इसको वाइंड कर देते हैं। ठीक, कनेक्ट कर देते हैं व्हीटस्टोन के अंदर, जैसे ये फिगर में दिखाया है। अब हमने जो वर्किंग पढ़नी है इसकी और थ्योरी। ठीक है, तो वर्किंग और थ्योरी में हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इस एस वायर को आइस के अंदर रखते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर हम क्या करते हैं, पी और क्यू को एडजस्ट इस तरह से करते हैं कि वो क्या हो जाए, एक दूसरे के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पुट एस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि जो आर है हमारी वो इस तरह से होगी, यानी कि आर को आप इस तरह से लोगे, एडजस्ट करोगे कि आपके गलवेनोमीटर के अंदर 0 डिफ्लेक्शन हो जाए। मतलब क्या किया हमने, देखो सबसे पहले एस को आइस के अंदर रखा 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद हमने पी और क्यू को इस तरह से एडजस्ट किया कि पी और क्यू दोनों क्या हो, इक्वल हो। फिर हमने आर को इस तरह से एडजस्ट किया कि आपका गलवेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि नल डिफ्लेक्शन आए। अब इसका मतलब क्या हुआ, पी इजिकल टू क्यू, एस जो आपकी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, और आर को इस तरह से एडजस्ट किया कि गलवेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रिज है जो वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो जैसे ही वो ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है, तो लेट अस से कि जो आर एस है उसकी रेजिस्टेंस हम आर नोड मान लेते हैं, आर 0 मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, जब बैलेंस हो जाता है ब्रिज, तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर बाई एस, तो आर बाई एस की जगह क्या हो जाएगा, आर नोड। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट आर नोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई में पी इंटू में क्यू। अब क्योंकि पी और क्यू इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू की जगह पी लिख सकते हैं, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। ओके, ये किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट स्टेप किया। उसके बाद सेकंड स्टेप हम करते हैं कि हम इस वायर को स्टीम के अंदर रख देते हैं। ठीक है, स्टीम का आपको पता है टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम इसको रख देते हैं, और इसकी रेजिस्टेंस उस टाइम मान लेते हैं कि आर 100 हो जाती है, तो एस की रेजिस्टेंस है जो वो कितनी हो जाती है, आर 100 मान लेते हैं हम, हो गई। ठीक है, उसी तरह से पी और क्यू को इक्वली एडजस्ट करते हैं, आर को आपका इस तरह से एडजस्ट करते हैं गलवेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0, नल डिफ्लेक्शन आए, तो इसका मतलब ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पी बाई में क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डैश बाई में आर 100। तो हमने क्या माना, आर डैश क्यों माना, हमने यहां पर आर की जगह आर डैश माना। हम ये कह रहे हैं
कि जो आर डैश है वो ए डी आरम की रेजिस्टेंस है उससे सेपरेट करने के लिए पहले वाले केस से, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, आर डैश मान लिया। ठीक है, कि आर इज इक्वल टू आर डैश होगा जो इस तरह से एडजस्ट होगा कि आपकी गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, तो आपका बैलेंस होने के बाद, ब्रिज बैलेंस्ड होने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी। तो यहां से अगर हम आर 100 की वैल्यू निकाल लें तो वो किसके बराबर आएगी भी, आर डैश बाई में पी इंटू क्या, क्योंकि पी और क्या बराबर है तो इसलिए ये किसके बराबर आ गया, आर डैश के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब फिर हम क्या करते हैं, थर्ड केस लेते हैं। उस थर्ड केस के अंदर हम इस वायर को, जो एस वायर, एस रेजिस्टेंस के लिए वायर ली हमने, उस वायर को आप किसी टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रख देते हैं। ठीक है, हम बात में रख देते हैं इसको, इंटू बात, ठीक है, ताकि टेम्परेचर क्या हो जाए, टी डिग्री सेल्सियस हो जाए। अब उस टाइम जब ये टी डिग्री सेल्सियस पे रखी गई है तो उस टाइम इस आर रेजिस्टेंस को हम ले लेते हैं आर डबल डैश। ठीक है, और एस की रेजिस्टेंस जो वो क्या ले लेते हैं उस टाइम टी डिग्री सेल्सियस पे, आर टी ले लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से पी और क्या को इक्वल करते हैं, आर डैश, आर डबल डैश को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि आपकी गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो आपका पी बाई क्या इज इक्वल टू आर बाई एस, यानी कि आर डबल डैश बाई में आर टी हो जाएगा। यहां से आप आर टी की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी, आर डबल डैश बाई में पी इंटू क्या विच इज इक्वल टू आर डबल डैश बिकॉज पी इज इक्वल टू क्या। ठीक है, तो यहां से हमारे पास तीन इक्वेशन है जो वो बन जाती है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, थर्ड इक्वेशन ये है। तो इस तरह से तीन इक्वेशन है जो बन जाती हैं। अब हमने यहां से कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट ये करना है कि जो हमारे एस है उसका टेम्परेचर है जो, ठीक है, एस का जो टेम्परेचर है वो कैलकुलेट करना है। लेट अस से कि अल्फा है जो वो टेम्परेचर कोफिशियंट है, टेम्परेचर कोफिशियंट है किसका भी, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर, ऑफ वायर। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशियंट है किसका, वायर का। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशियंट है ये किसका, वायर का। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम आर 100 की वैल्यू निकालें तो आर 100 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशियंट विच इज जो आपने पढ़ चुके हो जो पिछली क्लासेज में, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, आर नॉट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर प्लस में 1 प्लस अल्फा इंटू 100। ठीक है, अल्फा यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कोफिशियंट। तो यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, देखिए यहां से आपका आर नोड इंटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस, तो आर 100 माइनस में क्या होगा, आर नोड, यहाँ अल्फा इंटू 100 मल्टीप्लाई है, आर नोड भी मल्टीप्लाई है, तो यहां पर जाके क्या हो जाएगा, ये आर नोड इंटू में आर 100। ठीक है, आर नोड इंटू में आर 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू है जो हमारी ये आ जाती है, आर नोट इंटू में आर 100 नहीं है, ये आर के बराबर होगा, 100 इंटू में 100 के बराबर होगा, सॉरी। ठीक है, आर 100 नहीं है, ये आर नोट इंटू में 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या है, यहां से हम आर टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नोट इंटू में 1 प्लस अल्फा इंटू टी हो जाएगा, वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया था। तो सिमिलरली इसी तरह से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर टी यहाँ से आर नोड इधर आके माइनस डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा अभी, आर नोड इंटू में टी हो जाएगा, आर नोड इंटू में टी। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज हैं जो ये अल्फा की आ गई, ये दोनों वैल्यूज हैं जो वो किसकी आ गई, अल्फा की आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों वैल्यू अल्फा की हैं तो हम इनको इक्वल रख सकते हैं, इसको क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको आगे। ठीक है, तो आपकी वैल्यूज हैं जो वो क्या थी, आर 100 माइनस, आर 100 माइनस आर नोड या आर जीरो बाई में आर जीरो इंटू 100, आर जीरो इंटू 100 विच इज इक्वल टू आर टी माइनस में आर जीरो बाई में आर नोड इंटू में टी, आर नोड इंटू में टी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस जो वैल्यूज हैं वो अल्फा की हैं, तो इसलिए हम इनको इक्वल रख सकते हैं। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि आर जीरो से आर जीरो कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, तो यहां से टी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो टी की वैल्यू, टी इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आर टी माइनस में आर नोड बाई में आर हंड्रेड माइनस में आर नोड, ये हंड्रेड उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, इंटू में हंड्रेड। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं देखो, अब हमने देखा था जो पीछे हमने सोल्ड आउट किया था, जब इसमें देखा था कि फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग आर नोड है जो, या आर जीरो है जो आर के बराबर, सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आर हंड्रेड था जो वो आर डैश के बराबर, और थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आर टी था जो वो किसके बराबर आया, आर डबल डैश के बराबर आया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं आर टी की जगह आर डबल डैश माइनस आर नोड की जगह आर डिवाइड बाई आर हंड्रेड की जगह लिख सकते हैं जी आर डैश माइनस में आर नोड की जगह आर, इंटू में क्या हो जाएगा हंड्रेड हो जाएगा। तो यहां से इस टी की वैल्यू है जो वो आपकी क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने इस टेम्परेचर पर मेजरमेंट कर ली कि टी टेम्परेचर पर आर डबल डैश है जो वो आई थी आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वो नॉन कर लेते हैं वहां से टी टेम्परेचर पर, यहाँ से जीरो डिग्री सेल्सियस पे आप नॉन कर लेते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी मटेरियल की, यहाँ से भी आपको ये नॉन हो जाती है अगर आर डैश की हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप यहाँ से टेम्परेचर है जो उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उस रेजिस्टेंस के लिए टेम्परेचर है जो उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि वो कैलकुलेट किया जा सकता है अगर आपको आर डैश और आर की वैल्यू नॉन हो, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट है जो वो कर सकते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक था, तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो इस तरह से एक वीक में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, डेली आपको एक वीडियो है जो वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको समय ज़्यादा ना लगे, आपका नेट जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, डाटा यूज कर रहे हो, तो वो भी आपका जो कम से कम यूज हो और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, ठीक है, सीक्वेंस हो, आपको इसी तरह से डेली हर रोज सुबह एक वीडियो है जो प्रोवाइड होती रहेगी। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सीखते रहिए जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसके अलावा आप अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं जो वो कर सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो साथ साथ में करते रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताते रहिए, ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, ठीक है, तो उससे अगर आपको वो नई वीडियो नए टॉपिक हैं जो वो अच्छी तरह से अपने समझने हैं देखने हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो आपके कमेंट्स हैं कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।